नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दो ऐसी अपकमिंग कंपनियों के बारे में जिन्होंने जो स्प्लिट की रिकॉर्डेड अनाउंस कर दी है। इस पूरे वीडियो में दोनों कंपनियों की ओर से अनाउंस की गई स्प्लिट की डिटेल को देखेंगे, साथ साथ दोनों कंपनियों की रिकॉर्ड डेट को भी देखेंगे। सबसे पहली कंपनी है विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड, इसने जो स्प्लिट की रिकॉर्डेड अनाउंस कर दी है। स्प्लिट की डिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी की ओर से स्प्लिट का रेशियो 2:10 रखा गया है, यानी कि जिसके पास अगर 1 शेयर की स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 5 शेयर हो जाएंगे, और अगर किसी के पास अगर 100 शेयर की स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 500 शेयर हो जाएंगे, जिसकी रिकॉर्डेड कंपनी की ओर से अनाउंस कर दी गई है जो कि 14 जून है, यानी कि जो 13 जून की शाम को मार्केट क्लोज होने पर शेयर को बाय करके होल्ड करके स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि 10 से घटकर 2 हो जाएगी, और स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंज हो तो केवल शेयर में जो बाय और सेलर से बाय को बाय करने में दिक्कत नहीं होती और सेलर को सेल करने में। एक एज्यूम करके चलते हैं, कंपनी शेयर करंट क्लोजिंग प्राइस आज का 289 रुपए, और अगर यही प्राइस जो 13 जून की शाम तक रहता है तो 14 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 57.80 रुपए पर ओपन होगा। वहीं अगर मार्केट का उतार चढ़ाव शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर 13 जून को शेयर का प्राइस अगर 250 रुपए का होगा, 14 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 50 रुपए ओपन होगा। वहीं अगर 13 जून को शेयर का प्राइस अगर 300 रुपए क्लोज होगा, 14 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 60 रुपए ओपन होगा, यानी कि 13 जून को जो भी शेयर क्लोजिंग प्राइस है जो 14 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्ट होगा। इसके बाद दूसरी कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो स्प्लिट की रिकॉर्डेड अनाउंस कर दी है। इसमें स्प्लिट की डिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी की ओर से स्प्लिट का रेशियो 2:10 रखा गया है, यानी कि अगर जिसके पास अगर 1 शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 5 शेयर हो जाएंगे, और अगर किसी के पास अगर 100 शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 500 शेयर हो जाएंगे, जिसकी रिकॉर्डेड कंपनी की ओर से अनाउंस कर दी गई है जो कि 21 जून है, यानी कि जो भी 20 जून की शाम को मार्केट क्लोज होने पर शेयर को बाय करके होल्ड रखेगा स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि 10 से घटकर 2 हो जाएगी, और स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंज होगा केवल शेयर में जो बाय और सेलर बाय को बाय करने में दिक्कत नहीं तो सेलर को सेल करने में। एक एज्यूम करके चलते हैं, कंपनी शेयर करंट क्लोजिंग प्राइस आज का जो है 2525 रुपए है, और अगर यही प्राइस जो है 20 जून की शाम तक रहता है तो 21 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 505 पर ओपन होगा। वहीं अगर मार्केट का उतार चढ़ाव होता है शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर 20 जून को शेयर का प्राइस अगर 2500 पर क्लोज होगा तो 21 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 500 पर ओपन होगा। वहीं अगर 20 जून को शेयर का प्राइस अगर 2600 पर क्लोज होगा तो 21 जून को शेयर का प्राइस स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 520 पर ओपन होगा, यानी कि 20 जून को जो भी शेयर क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके शेयर का प्राइस जो 21 जून को स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्ट होगा। इसके अलावा दोनों कंपनियों के फंडामेंटल को देखना है तो आई बटन और एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।